press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome back to Amitjainfilms और मेरा नाम है अमित जैन. तो guys, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है. जितने भी बड़ी बाइक ओनर है या कोई भी छोटी मोटी बाइक वाला भी ओनर है उसके लिए भी, क्योंकि अभी जो मेनली है ना, बहुत ज़्यादा बाइक्स चोरी होनी स्टार्ट हो गई हैं. और ख़ासकर अगर आप दिल्ली में अगर अपनी बाइक बाहर खड़ी करते हैं तो रिसेंटली बहुत सारी डोमिनार्स ऑलरेडी चोरी हो चुकी हैं. और मैं एक दो ग्रुप में ज्वाइन हूँ जहाँ पे लोग अपनी डोमिनार चोरी होने की वीडियो शेयर कर रहे हैं. तो उनमें से अभी कल ही एक रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है वो है बजाज डोमिनार के, जो NCR में अगर आप रहते हैं तो आप पक्का जानते होंगे उनको, अमर श्रीवास्तव. तो उनकी बाइक है जो उनके घर के बाहर से चोर 2 मिनट के अंदर अंदर चुरा के ले गए. तो उसकी वीडियो पहले आप देख लीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे आप अपनी बाइक को कैसे बचा सकते हैं चोरी होने से. चलिए पहले वो आप वीडियो देख लीजिए. तो आपने देखा कि 3 लोग आए बाइक पे और 2 मिनट के अंदर अंदर डोमिनार को चुरा के ले गए. 2 लाख रुपए की बाइक 2 मिनट के अंदर सफाया. तो गाइस, जो ये चोरी होने वाले इंसिडेंट्स है ना, वो पर डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, खासकर जो बड़ी बाइक्स है, क्योंकि बहुत इजी होता है लोग्स को तोड़ना और कुछ नहीं करना, धक्का मार के 2 मिनट के अंदर ये लोग ले जाते हैं. और आसपास ही इनके बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जान पहचान वाले, जो आगे इनको आगे बाइक को धक्का लगा के ले जाने में हेल्प करते हैं. तो आपको जो वीडियो से देखा होगा कि केवल 2 मिनट के अंदर उस बंदे ने उस बाइक का लॉक भी तोड़ दिया और उसको धक्का मार के भी ले गया और 2 लाख रुपए आपके सफाया हो गए 2 मिनट के अंदर. तो जब आपकी बाइक चोरी होती है ना, बहुत धक्का लगता है. तो अपनी बाइक को कैसे सेव करना है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो मोस्ट कॉमन वे है, हर किसी को पता होता है, बट हम ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. बट वो छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी हेल्प कर सकती हैं रेगुलर लाइफ में आपकी बाइक्स को बचाने के लिए. तो चलिए पहले आपको सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है डिस्क लॉक. आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे. तो डिस्क लॉक, जी हाँ, आपकी बाइक को बचा सकता है. कैसे? जो हैंडल वाला लॉक है वो बंदा 2 मिनट के अंदर तोड़ देगा, बट जो डिस्क लॉक होता है ना वो लगता है आपके डिस्क के अंदर. पहली बात तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो जब खेलने की कोशिश करेगा बाइक को तो बाइक आगे जाएगी नहीं. तो वो सोचेगा यार क्या हो गया, कि ब्रेक तो मैंने तोड़ दिया, अब क्या बंदी है चेन से, क्या है, आगे नहीं जा रही है. वो बहुत कोशिश करेगा आगे पीछे ले जाने की. और ना उनके पास ना इतना टाइम नहीं होता है कि भाई वो बैठ के देखें क्या इशू हो गया ये, क्योंकि जो ये सब काम होते हैं ना वो विद इन 5 मिनट हो जाते हैं. नहीं हो, अगर उनको लगता है कि नहीं हो रहा है तो वो बाइक को छोड़ के भाग जाते हैं. तो यहाँ पे डिस्क लॉक आपका बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग अपनी बाइक को बाहर ओपन में गलियों में पार्क करते हैं, खासकर दिल्ली में रहने वाले लोग, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग के बड़े इश्यूज हैं. तो लोग अपनी बाइक्स हैं, कार हैं, वो सब गली में ही पार्क होती हैं उन लोगों की. तो वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है डिस्क लॉक. अगर आपको एक डिस्क लॉक से भी अगर आप अनसेफ फील हो रहे हैं ना, तो आप ड्यूल डिस्क लॉक लीजिए, आगे भी लगा दीजिए, पीछे भी लगा दीजिए. बाई चांस अगर उसने एक डिस्क लॉक को किसी तरह खोल भी लिया ना, तो वो दूसरे डिस्क लॉक को नहीं खोल पाएगा, क्योंकि एक डिस्क लॉक खोलने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. पहली बात तो 99% वो खुलेगा ही नहीं. तो सबसे मेन चीज़ ये है डिस्क लॉक. और सेकंड जो मेरी लिस्ट पे है ना वो है GPS. आजकल GPS काफ़ी सस्ता हो गया है, 1500 रुपये में आपको एक नॉर्मल सा GPS मिल जाएगा विद इंस्टॉलेशन और 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो GPS में आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या रहता है, आपको एक तो आपकी लोकेशन रहती मिलती रहेगी बाइक की, कहाँ पे आपकी करंट बाइक लोकेशन है. और आजकल के जो एडवांस GPS आ रहे हैं ना, उनमें आपके इंजन स्टार्ट हो रहा है आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, इंजन बंद हो रहा है आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, बाइक चलनी स्टार्ट हो गई तब मैसेज आ जाएगा. इवन दो कुछ GPS तो ऐसे हैं जो आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं अपनी बाइक को. अगर आपको बाइक को चलती बाइक को बंद करना है ना, तो आप अपने GPS पे एक मैसेज सेंड करना है और वो GPS ऑटोमेटिक बाइक को बंद कर देगा. तो ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं. तो 1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है 2 लाख रुपये की बाइक के लिए. तो बस मैं आप लोगों को एक ही जो सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी GPS लगवाएं, कोई भी वायर ना कटवाएं बाइक के अंदर, अगर आपकी विद इन वारंटी है बाइक. क्योंकि अगर आप वायर कटवा देंगे तो आपको जो भी आपकी मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो बाइक पे वारंटी नहीं देगी. तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि बाइक की कोई भी वायर ना कटवाएं और अच्छे से इंस्टॉल करवाएं GPS को. जो मेरी लिस्ट पे वो थर्ड चीज है वो है कि ना, डिकैथलोन के जो एक वायर वाले लॉक्स आते हैं काफी मजबूत वाले,
तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उनको क्या करना है, आपको चेन और टायर में लगा देना है, तो वो बंदा जैसे ही चलाना स्टार्ट करेगा वो वायर वाला लोक अटक जाएगा और वो बाइक आगे नहीं ले जा पाएगा। तो ये वाली चीज भी आपको काफी हेल्पफुल है। और फोर्थ जो चीज मेरी लिस्ट में है वो है सेंटर लॉकिंग सिस्टम। इसको मैं जो 20,000 किलोमीटर से ऊपर वाली बाइक से उन्हीं के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वायर्स की छड़ से लगाया जाता है, इंस्टॉल होता है। मैंने अभी तक नहीं लगवाया है तो मैं जस्ट सजेशन दे रहा हूँ। तो जो लोग लगवाना चाहते हैं, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं सेंट्रल लॉक सिस्टम को, और यूजली आजकल हर गाड़ी में आता है सेंट्रल लॉक सिस्टम, और बाइक्स में बहुत लोग मॉडिफाई करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आपकी बाइक को छेड़ेगा ना, एक अलार्म बजने लग जाता है, और जैसे ही कोई आवाज़ होगी चोर अपने आप ही बाइक को छोड़ के जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं वहाँ पे। तो एक ये वाला सिस्टम भी है जो काफी अभी चल रहा है बाइक्स में, और इसको भी आप लगा सकते हैं। तो गाइज ये थे मेरे जो लिस्ट में अभी मेनली जो मैंने मोटे मोटे जो रेगुलर और कॉमनली आपको अवेलेबल होंगे मार्केट में ये चीजें। अगर आपको भी कुछ नया कुछ आइडिया है या आपके पास भी कुछ चीजें हैं ऐसी जो जिससे आप अपनी बाइक को सेफ कर सकते हैं और हमारी फैमिली में हर मेंबर को हेल्पफुल हो सकती है वो, तो प्लीज कमेंट कर देना और मेरे को भी बता देना, ताकि मेरे पास भी डोमिनार है और मेरी भी बाइक बाहर ही खड़ी होती है, बट मैं सोसाइटी में रहता हूँ तो मेरे थोड़ा बेनिफिशियल रहता है कि बाहर सिक्योरिटी वगैरह है, तो थोड़ा सा रात में वो अनजान लोगों को अंदर नहीं आने देती है। तो आज की छोटी सी वीडियो थी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, और मेरे को जरूरी थी ये बनाना कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं रिसेंटली, और मेरे को भी थोड़ा सा बैड फील होता है यार कि इतनी चाह से आप एक बाइक लेते हैं अपने लिए और वो चोरी हो जाती है, तो बहुत गुस्सा आता है अंदर से। तो चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, आई एम अमित जैन, आपको हर अपडेट मिल जाएगी, और मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं इंस्टाग्राम पे, तो आप मेरी नई नई पोस्ट आपको मिलती रहेंगी वहां पे, नई नई इमेजेस मैं डालता रहता हूं अपनी राइड्स की और अपडेट्स। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट राइड में, प्लीज कमेंट कर देना कुछ नए ट्रिक्स और जो आप जिससे आप बाइक को सेव कर सकते हैं अपनी। तो बाय बाय।